प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। यदि मैं आठ को लूं कि आठ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हम आठ को कौन कौन सी संख्या है जो आठ को भाग कर देगी वो देखना है। आठ को पूरा पूरा भाग एक भी कर देगा, आठ को पूरा पूरा भाग दो भी कर देगा, आठ को पूरा पूरा भाग चार भी कर देगा और आठ को पूरा पूरा भाग आठ भी कर देगा। आठ को एक से भाग देंगे आठ उत्तर आएगा, आठ को दो से भाग देंगे दो चौके आठ चार उत्तर आएगा, आठ को चार से भाग देंगे चार दूनी आठ दो उत्तर आएगा और आठ को एक आठ से भाग देंगे आठ एकम आठ एक उत्तर आएगा। मतलब ये सारी संख्याएं आठ को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। और संख्या देख ले, मैं गुणनखंड निकालना भी सिखाऊंगा, अलग विधि से भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे दस के यदि मैं गुणनखंड लेता हूं, दस के छोड़े हम नौ के ही ले लेते हैं, नौ के गुणनखंड यदि मैं लेता हूं, यदि मैं नौ के गुणनखंड लेता हूं, नौ को एक भाग कर देगा, तीन भाग कर देगा और नौ भाग कर देगा। यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ू, मैं बीस के गुणनखंड लेता हूं, बीस को एक भाग कर देगा, दो संख्या भाग कर देगी, चार भी कर देगा, पांच भी कर देगी, दस भी कर देगी और बीस भी कर देगी। अब ये संख्याएं मैंने ली हैं कि जो इनको पूरा पूरा भाग कर देगी वो संख्या एक दी हुई संख्या की गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे आठ के गुणनखंड एक दो तीन चार, सॉरी आठ के गुणनखंड एक दो चार आठ, नौ के एक तीन नौ, बीस के एक दो चार पांच दस और बीस। अब इन सारी संख्याओं में आप कितने भी लिखते चले जाएं, एक चीज आप ध्यान से देखना कि एक हर किसी में है। अर्थात जो संख्या एक है वो हर संख्या का गुणनखंड होती है। ये ध्यान रहे कि एक तो किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगी। दूसरी बात, यदि हम इसके आखिर में चलें, आठ का गुणनखंड आठ भी है, नौ का गुणनखंड नौ भी है और बीस का गुणनखंड बीस भी है। अर्थात जो दी गई संख्या है वह खुद का भी गुणनखंड होती है। दो चीज हमारे पास खास निकल के आई है, पहली कि संख्या एक हर संख्या का गुणनखंड होती है, दूसरी बात कि संख्या स्वयं भी अपना गुणनखंड होती है। और यदि इसकी तरफ हम ध्यान दें कि सबसे बड़ा गुणनखंड आठ का क्या है, आठ, नौ का नौ और बीस का बीस, इससे बड़े नहीं आएंगे। अर्थात किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटा होता है या बराबर। देखो बराबर भी आ रहा है, नौ की नौ है, आठ की आठ है, बीस की बीस है, कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है और बराबर होता है। छोटा होता है या बराबर होता है, दोनों में से हो सकता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। अब बात रही निकालने की, हम कैसे निकालें, हम आठ को ही निकाल लेते हैं। अब एक बार ये एक्टिविटी देखिए, इसके द्वारा भी आप समझ जाएंगे। गुणनखंडों को समझने के लिए मैं और ऋषभ एक विधि के द्वारा इसको करेंगे, खेल खेल में। ऋषु करें, चलो पहले हम ले लेते हैं कि हमें 12 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमने ये बीन्स लिए हैं या ये डाइज जो हम सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं उसके ही पार्ट्स हैं। आप कंकड़ पत्थर से ले सकते हैं, आप डिकोड़ी बिनोली कुछ भी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। ऋषु पहले हम 12 के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसमें से आप 12 जो 12 हैं वो ले ले, पहले 12 ले ले इनके। बारह ले लिए, अब 12 की एक एक ढेरी बन सकती है, अलग अलग ढेरियों में बनाना, अलग अलग 12 को रखो। हाँ, तो इन 12 चीजों की अलग अलग ढेरी बन सकती है, तो एक 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 की अलग एक एक की 12 ढेरी बन सकती है, तो एक इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको दो दो की ढेरी में रखा जा सकता है। ऋषु देखें, दो दो की ढेरी में रखो, ये देखिए दो दो की ढेरी में रखा गया, तो मतलब दो भी इसका एक गुणनखंड है। अब देखो इसको तीन की ढेरी में रखा जा सकता है, रखा गया तीन तीन की ढेरी में, पूरा पूरा पट गया, तो तीन भी इसका एक गुणनखंड है।
क्या इनको चार की ढेरी में रखा जा सकता है? रखा गया पूरा पूरा, पूरा पूरा रखा गया तो चार भी इसका एक गुणनखंड है। क्या इसको पांच पांच की ढेरी में रखा जा सकता है? रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि दो ढेरी बनने के बाद दो बच गए तो पांच इसका गुणनखंड नहीं है। छह की ढेरी में रखा जा सकता है? छह में देखें, छह छह करके रखा जा सकता है, तो छह भी इसका एक गुणनखंड है। और जब दो ढेरी बन जाए बराबर की तो सिर्फ हमारे पास एक ही ढेरी बनेगी पूरी, जो 12 की 12 मतलब पूरा वही होगा, तो 12 भी इसका एक है गुणनखंड होगा। समझाया? अब अगला करके देखते हैं हम, 9 का निकालते हैं। अब इसमें से 9 ले रही सू, 3 को मैं निकाल देता हूं बाहर, ये 9 बच गए। अब 9 को देखो, एक एक ढेरी बन सकती है 9 की? एक एक की ढेरी बन सकती है, देखे रिशु बन गई, तो एक इसका गुणनखंड है। क्या इसकी दो दो की ढेरी बन सकती है? देखें दो दो की बनाओ, नो। बन सकती है? नहीं बनी, एक बच गया ना, तो दो इसका गुणनखंड नहीं है। अब तीन तीन की बना के देखें, बन गई, तीन की बन गई, तो तीन इसका एक गुणनखंड है। क्या चार चार की बन जाएगी? बनी चार की ढेरी, पूरी पूरी नहीं बनी, एक बच गई, तो चार इसका गुणनखंड नहीं है। अब पांच की बना के देखें, पांच पांच की बन जाएगी, बन गई, एक में पांच एक में चार रह गए, पांच भी इसका एक गुणनखंड नहीं है। और दो ढेरी यदि पूरी नहीं हो पा रही है तो हम उसको आगे ले जाके फिर इकट्ठा कर देंगे, वो क्या हो गया, नौ इसका एक गुणनखंड है। तो इस विधि द्वारा भी आसानी से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप कंकड़ पत्थर बीन्स कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए करके देखें गुणनखंड। तो देखा बच्चों, इस एक्टिविटी के द्वारा शायद आप अच्छे से गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। यदि आपके पास वो चीज उपलब्ध नहीं है तो हम उंगलियों से भी इसको निकाल सकते हैं। उंगलियों से कैसे? जैसे मैं आठ के ही निकाल रहा हूं, मेरे पास क्या है, आठ उंगलियां हैं। क्या आठ की आठ उंगली अलग अलग हैं? मैं अलग अलग रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, देखो सारी अलग अलग हैं, तो मेरे पास एक क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब यदि मैं इन्हीं आठ को दो दो के जोड़े में, ये दो जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, देखो दो दो के जोड़े में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, देखो दो दो के जोड़े मैंने बनाए हैं, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, दो हो गया। और मैं आगे चलता हूं, इसमें क्या मैं इसको तीन तीन के जोड़ों में रख सकता हूं? आठ को देखो, तीन का जोड़ा एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन ये दो खाली बच गए हैं, तो तीन के जोड़ों में हम इसको नहीं रख सकते। क्या मैं इसको चार के जोड़ों में रख सकता हूं? देखो चार के जोड़ों में इसको हम रख सकते हैं, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, चार हो गया। और उसी के बाद क्या पांच के जोड़ों में रख सकते हैं? देखो पांच का एक जोड़ा ये बन रहा है, लेकिन इधर तीन बच रहे हैं। उसी प्रकार छह में नहीं रख सकते, सात में रख सकते, आठ में रख सकते हैं, एक ढेरी के रूप में। देखो आठ की आठ हमने इकट्ठी कर दी, तो आठ भी इसका एक गुणनखंड है। हम इसको उंगलियों की सहायता से या फिर हम अपने आप गिन के भी दो दो चार चार इस प्रकार से हम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकाल के देखें, 16 के चलो निकाल देते हैं, 16 के ले छोड़ देते हैं, 24 के निकालते हैं, 24 के 24 के निकाल के देखो, एक से भाग हो जाएगा, दो से भी होता है, तीन से भी होता है, चार से भी होता है, छह से भी, और आठ से भी, 12 से भी, और 24 से भी। आप गुणनखंड निकालते वक्त एक चीज का और ध्यान रखें, जब आपका पूरा निकल जाए हम हमेशा पहले की और आखिरी की गुणा करेंगे, 24 से कम 24, फिर अगले दोनों की, 12 दूनी 24, 8 तीये 24, 6 चौके 24। यदि हमारा पहला और आखिरी, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, इनकी गुणा बराबर आ रही है, देखो 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 8 तीये 24, 6 चौके 24, तो हमारा उत्तर सारा सही है। यदि नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं बीच में हमने अंक छोड़ा है। एक और चीज मैं लूंगा इसके बीच में भी, मान लो 16 को ही मैं ले रहा हूं, 16 एक से भाग हो जाएगा, दो से, चार से, आठ से और 16 से। अब इसको भी शिफ्ट कर लूंगा, 16 एकम 16, दो अठे 16, यदि एक संख्या बच जाती है उसको उसी से गुणा करें, चार चौके 16, एक संख्या बच गई तो उसी से गुणा करने से यदि आंसर आ रहा है तो ये भी हमारा सही है, हमारी कोई भी संख्या छूटी नहीं है और यहां पर भी संख्या छूटी नहीं है। तो गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है गुणज की। गुणज क्या होता है? गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या में बार बार उसी को जोड़ने से प्राप्त होती है। मान लो मेरे पास पांच है, पांच है, पांच में एक बार और पांच जोड़ दिया, कितना हो गया, दस।
एक बार और पांच जोड़ दिया कितना हो गया 15 है, एक बार और पांच जोड़ दिया कितना हो गया 20, एक बार और पांच जोड़ दिया कितना हो गया 25। ये गुणज कहलाते हैं और आप देख ही रहे होंगे ये क्या है, पहाड़े ही तो है, टेबल है, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांचों का बीस, पांचों का पच्चीस। अर्थात गुणज उस संख्या के पहाड़े होते हैं, मतलब उससे आगे आने वाली संख्या जिसको हम बार बार जोड़ के निकाल सकते हैं। अब गुणज में भी एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमने गुणनखंड में ली थी, मैं 9 को भी ले रहा हूं, मान लो 9, 9 का अगला 18, 27, 36, 45, 54, आगे लेते चले जाएंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखे भाई, किसी भी संख्या का गुणज हमेशा उस संख्या के या तो बराबर होगा, देखो 5 है तो 5 आ भी रहे, या उससे बड़ा होगा। गुणनखंड की स्थिति में उल्टा था, या तो उसके बराबर या छोटा, लेकिन गुणज में या तो उसके बराबर होगा या बड़ा। देखो 9 भी ऐसी है, या तो बराबर है या उससे बड़े हैं। तो किसी भी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। गुणज में कोई ज्यादा मेरे ख्याल से परेशानी आपको आने वाली नहीं है, पढ़े ही है, आप आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ गुणनखंड और गुणज में यह ध्यान रखें कि गुणनखंड किसी भी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, और गुणज किसी भी संख्या के खुद को उसी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो आप ये समझ ही गए होंगे, अब ये प्रश्न करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।